हे गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में आप देखोगे 2022 ऑल न्यू हीरो एक्सपल्स 204V। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, दिस इज़ ऑल न्यू 2022 हीरो एक्सपल्स 204V। सो आप देख सकते हो ये रेड वेरिएंट है। तो इसमें तीन कलर वेरिएंट आते हैं, ब्लैक रेड, वाइट ब्लू एंड ब्लैक ब्लू। तो वाइट ब्लू है जो है वो ये आपको दिख रहा है। सो अभी वापस इस पे आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये बाइक दिखती है, तो देखने में तो बहुत ही बढ़िया लगती है। बड़ी बाइक वाली आपको इसमें फीलिंग आने वाली है, लेकिन ये है 200cc। तो आप देख सकते हो काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए हैं इन्होंने। और ये जो है ये है रैली एडिशन। सो ये प्रॉपर एडवेंचर बाइक है, प्रॉपर आप ऑफ रोडर बोल सकते हो, जो हीरो की तरफ से आती है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरह से सेटअप दिख जाता है। तो यहाँ पे आपको विंडस्क्रीन मिल जाती है, देन उसके बाद यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी आपकी। हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट यूनिट आपको इसमें LED में मिलने वाला है। तो फुली LED में आपको हेडलाइट मिल जाती है। और DRL भी मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ। सो DRL इसमें ये टाइनी DRL मिल जाते हैं, तो छोटे छोटे से ये लगाए हुए हैं। ये अगर ये रिंग्स टाइप होता तो और ही अच्छा लगता बाइक में। बाकी LED सेटअप मिल रहा है, तो वो भी अच्छा ही है इसमें। इसी के साथ यहाँ पे इंडिकेटर आपको हेलोजन में मिल जाते हैं, तो शेप काफ़ी अच्छी बनाई हुई है उसकी। यहाँ पे ग्राफिक वर्क किया गया है जो कि बहुत बढ़िया लगता है। तो सस्पेंशन आपको इसमें 37mm के मिल रहे हैं विद कवरिंग। तो ये आपको कवरिंग मिल जाती है सस्पेंशन में, जिसकी वजह से जब आप ऑफ रोडिंग करते हो तो आपकी सस्पेंशन सील ख़राब नहीं होगी, गंदी नहीं होगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, जो ये प्रोटेक्शन दी गई है इसमें। तो टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट टायर आपको इसमें मिलने वाला है 90x90 R21। तो 21 इंचेस के यहाँ पे आपको स्पोक व्हील्स मिल रहे हैं। तो ट्यूबलेस का ऑप्शन नहीं है इसमें, ट्यूब टायर मिलेंगे स्पोक व्हील के साथ। इसमें फ्रंट ब्रेक आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, जो कि है 276mm की। तो आपको ये पेटल शेप आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी रहती है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको इसमें। देन यहाँ पे ABS का स्टिकर मिल जाता है। बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलने वाला है। तो टॉकिंग अबाउट इट्स इंजन साइज़, तो इंजन इसमें आपको मिलने वाला है 200cc सिंगल सिलेंडर 4-valve इंजन। तो ये 4-valve इंजन आता है, तो उसकी स्टिकरिंग यहाँ भी बनाई गई है। और ये रहेगा आपका एडवांस प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन के साथ, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 18.8 BHP की एंड 17.7 Nm ऑफ टॉर्क। तो पावर फिगर्स काफ़ी अच्छी दी गई हैं बीइंग 200cc बाइक। सिंगल आपको हॉर्न मिल जाता है, और हॉर्न के ही ऊपर आपको यहाँ पे एक शील्ड सी दिख जाती है, ये आपको दिख रही होगी। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में इंजन बैश प्लेट भी मिल जाती है, फुल मेटालिक में है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है जब आप ऑफ रोडिंग करते हो। और साथ में फ्रंट रेडिएटर ग्रिल आपको उस साइड मिल जाएगी। साइड से कुछ इस तरह से दिखती है बाइक, तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से है बाइक की। तो डाइमेंशंस की बात करें तो लेंथ इसमें मिलने वाली है 2250mm लेंथ, विड्थ 850mm की विड्थ मिल रही है। एंड हाइट की बात करें तो हाइट इसमें मिल रही है 1323mm की। व्हील बेस आपको इसमें मिल जाएगा 1426mm का। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलने वाली है 270mm की। तो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है आपको, ऑफ रोडिंग आपकी आराम से निकल जाएगी। सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ किक स्टार्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पे आपको राइडर फुटपैक मिल जाते हैं, जो कि टूथथ में भी मिलते हैं। तो रबर पैडिंग आप रिमूव कर सकते हो, देन प्रॉपर ऑफ रोड कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको टूथथ में मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है।
यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिलियन फुटरेस्ट। सो यहाँ पे आप देखोगे काफी बड़ा एग्जॉस्ट लगाया गया है बाइक में, जो कि काफी अच्छा रहता है और बहुत ही अच्छी लुक बनाता है, अपीलिंग लुक देता है ये बाइक को। तो यहाँ पे इसमें प्लास्टिक की कवरिंग भी मिल जाती है, जिसके कारण ये हीटिंग इशू नहीं आएगा, पिलियन आराम से बैठ सकता है इस पर। और उसी के साथ साथ बात करेंगे रियर टायर की, तो रियर टायर आपको इसमें मिलने वाला है 120x80R18। तो रियर जो टायर है वो आपको 18 इंचेस का मिल जाएगा, स्पोक व्हील मिल जाता है एंड विद ट्यूब टायर्स। टायर जो आपको मिल रहे हैं इसमें वो है C8 कंपनी के, तो C8 के टायर्स मिल रहे हैं। रियर डिस्क भी इसमें आपको पेटल शेप मिल जाती है, जो कि है 220mm की, एक कैलिपर निसन के मिल जाते हैं इसमें। एंड ABS तो मैंने आपको बता दिया, फ्रंट में ही आता है ABS, सिंगल चैनल ABS है इसमें। गियर से कुछ इस तरह से दिखती है आपको बाइक, यहाँ पे आपको LED में आपको टेल लाइट मिल जाएगी, तो स्लीक सी बनाई गई है, काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे हीरो का स्टिकरिंग मिल जाएगी और उसी के साथ साथ हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी, रिफ्लेक्टर एंड नंबर प्लेट लाइट, जो कि येलो में दिख जाती है, ये आपको दिख रही होगी। सो यहाँ से बात करें तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है और लेडीज़ फुटरेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, वो एज एसेसरी आप लगा सकते हो। चेन सिस्टम यहाँ पे आपको ओपन चेन सिस्टम मिल जाता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस का रहता है, तो बार बार आपको चेन क्लीन एंड ल्यूब करनी पड़ती है। देन रियर सस्पेंशन की बात करें तो वो आपको इसमें मोनोशॉक मिलने वाला है, जो कि है एडजस्टेबल, तो राइडर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है इसको अपने राइड कंफर्ट के हिसाब से। यहाँ पे आपको रेड कलर की कॉइल मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस साइड से आप देख रहे होंगे तो रेड एसेंट के साथ ये रेड कॉइल काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें आपको 5-speed गेयरबॉक्स मिलने वाला है, सो बीइंग 200cc 5-speed गेयरबॉक्स काफ़ी अच्छा रहने वाला है इसमें। और बाकी चलाने में पता लगेगा कि गियर शिफ्टिंग कैसी है इसमें, सो वो वीडियो भी आप देखना, चैनल पे ज़रूर आएगी। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको रैक दिख जाता है ये, और ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, तो ग्रैब रेल कुछ इस तरह से कनेक्टेड बनाई गई है। उसके बाद सीट की बात करेंगे तो सीट आपको 1-piece इसमें सीट मिलने वाली है, जो कि कुशनिंग काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती है, कंफर्ट लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सो राइड क्वालिटी अच्छी रहने वाली है इसमें। सो अभी अंडर सीट स्टोरेज भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको एसेस करने के लिए यहाँ पे की लगानी पड़ती है, सो की लगा लेते हैं अभी। सो कुछ इस तरह से आपको की मिल जाती है इसमें, स्टैंडर्ड की मिलती है हीरो की तरफ से, तो इसको यहाँ पर लगा के इस तरह से ये सीट निकालनी पड़ेगी। सो अंडर सीट स्टोरेज आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है, यहाँ पे आपकी टूल किट आ जाएगी, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ इस तरह से आपको अंडर सीट स्टोरेज मिल जाती है, तो थोड़ी सी स्टोरेज मिलती है डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए, एनएफ है ये। ये जो USB चार्जर लगाया गया है, ये अगर बाहर लगाया होता है हैंडल बार पे तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि वो हैंडी रहता है, यहाँ पे कौन सीट खोलेगा और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन चार्ज लगाएगा, तो ये मेरे को नहीं लगता कोई यूज़ करेगा इस चीज़ को। यहाँ पे आपको टैंक पैड भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है ये। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है इसमें, सो डिसेंट टैंक मिल जाता है आपको इसमें। देन हम बात करेंगे हैंडल बार की, तो हैंडल बार इसमें आपको वाइड हैंडल बार मिलने वाला है। सो स्विचेज़ की बात कर लेते हैं अभी, यहाँ पे आपको पास का स्विच मिल जाएगा, लो बीम, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, तो हॉर्न भी मैं आपको सुना देता हूँ। हॉर्न कुछ इस तरह से मिल जाता है आपको इसमें। राइट साइड आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंगल स्विच मिल जाता है, इंजन किल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट का, सो कुछ इस तरह से सेटअप मिलता है आपको। हजार्ड लाइट का स्विच मेरे को मिसिंग दिख रहा है, तो वो होता तो और भी अच्छा रहता है बाइक में। ऑन करके देख लेते हैं, कुछ इस तरह से आपको इसमें एनिमेशन मिल जाती है और फुली डिजिटल आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। ऊपर आपको टेलटेल लाइट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे टैकोमीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, यहाँ पे क्लॉक मिल जाएगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, और इस साइड आपको ट्रिप ए ट्रिप बी का ऑप्शन मिल जाता है, तो इन्होंने ट्रिप वन ट्रिप टू करके किया है। मोड का स्विच यहाँ पे मिल जाता है, सो ट्रिप वन ट्रिप टू एंड ब्लूटूथ पेयरिंग, तो इसमें आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है इस सेगमेंट की बाइक में। तो इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं अभी, तो इसको अभी ऑन कर लेता हूँ मैं। सो अच्छा खासा आपको इसमें एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है। देन रियर व्यू मिरर आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी शेप बनाई गई है इसमें, और कवरेज भी काफ़ी अच्छी देंगे, वो मैं आपको राइड रिव्यू में बता दूंगा कि इसकी कवरेज कैसी मिलती है आपको। देन आपको यहाँ पे एडजस्टेबल आपको लेवर्स नहीं मिलने वाले हैं, एंड क्लच ठीक ठीक मिल रहा है आपको, ना ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा हार्ड है। आपको हैंड गार्ड भी मिल जाते हैं, तो हैंड गार्ड कंपनी प्री फिटेड ही दे रही है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। जैसे आप इधर मिरर्स पे भी देख सकते हो, तो रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है।
सो गाइज इसकी माइलेज की बात करें तो माइलेज 45 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। इजीली आपको 40 किलोमीटर पर लीटर तो मिलेगी ही मिलेगी इसमें, तो काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है इस बाइक का। कुछ लोगों को लगेगा कि यार सीट काफ़ी ऊपर बनाई गई है इसमें, तो सीट हाइट इसमें मिल रही है 885 mm की। तो मैं आपको बैठ के बता देता हूँ, सो बैठने में कुछ इस तरह से मेरे पैर कुछ इतने लगते हैं इसमें। मेरी हाइट है 5'10", मेरी हाइट के हिसाब से तो ठीक है ये, लेकिन शॉर्ट राइडर जो होंगे उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है बाइक में। तो हैंडल बार कुछ इस तरह से दिखता है, तो राइडिंग पोजीशन कुछ ऐसी रहती है आपकी। सो बाकी जो भी होगा वो मैं राइड रिव्यू में आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो वो भी आप ज़रूर देखना चैनल पे। सो इस एक्सपल्स 204V की प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग इसकी रहने वाली है 160 ऑन रोड, ये जम्मू का प्राइस है। मैंने आपके साथ सभी चीज़ें डिस्कस की, सभी डिटेल्स, तो अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल एंड शोरूम की डिटेल आपको पता लग जाएगी। अगर आप जम्मू से हो तो शोरूम विजिट कर सकते हो, टेस्ट राइड वगैरह ले सकते हो इसकी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।